जनपद हावड़ के दोलाना क्षेत्र के गांव बीगेपुर में महिलाओं ने गुरुवार को राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीलर पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और तहसील परिसर में प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 साल से एक ही व्यक्ति पर गांव में राशन डीलर का लाइसेंस है, जो अपनी मर्जी के अनुसार राशन देता है। गुस्साई महिलाओं ने तहसील परिसर धोलाना में राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और SDM धोलाना संतोष उपाध्याय को एक ज्ञापन भी दिया। महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर लोगों से अभद्रता करता है और कम राशन देता है। नाम मंजू है। हम ये मामला है कि हमारे नाम 4 नाम है, उसमें हमारे 2 ही नाम, एक ही नाम आता है मेरा, और उसी का राशन मिलता है सिर्फ 3 किलो, और बाकी और ये सब लेडीजन के नाम ही नहीं चढ़े हुए, किसी के बच्चों के नहीं चढ़े हुए, किसी के आदमी के नहीं चढ़े हुए, और बहुत सारी समस्याएं। सरकार से 10 कुंटल आता है, उसमें 1 कुंटल ही देते हैं। हमने ये मांग की है कि हंसा डीलर को हटाओ और दूसरा वो करवाओ गाँव के बाहर। पूरा राशन मांगने पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। राशन डीलर के व्यवहार से गुस्साई महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।